बड़े बड़े तुर्रम खां मेरे साथ आए। मैं यही बनारस में जब प्लान करने एक बंदे के पास गया, जब मैं उसके घर में पहुंचा तो मैंने देखा कि 125 कंपनियों का फोल्डर रखा है वो। सही घटना बता रहा हूं, 125। अब हम लोग भी मार्केट में हैं भाई, अपनी बिरादरी को तो पहचान ही लेते हैं, कौन ठग है, कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है, हर कोई पहचान लेता है। तो मैं जैसे ही घुसा, उसके हाथ मिलाने के तरीके से मैंने पकड़ लिया इसकी क्या हालत है। अब चूंकि डाउनलाइन के साथ गए थे, अब डाउनलाइन को भाई बात रखनी थी, नहीं तो बोलता बिना बताए सर ने फैसला ले लिया। मैं बात करना शुरू किया उससे, सर आप कब से नेटवर्किंग में है? बोला सर जब से नेटवर्किंग बनाने में तब से हूं। अब बताओ जब नेटवर्किंग बना ही नहीं हो तब से कैसे काम कर रहा होगा सर? मैंने बोला सर फिर भी कब से हैं? 35 साल से। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग आई 1995 में। वो भाई साहब कब से कर रहे थे? मैंने बोला सर तो 35 साल में कितना कमाए? 8 लाख रुपया। और वो गर्व से बोल रहा है कितना? मैंने पूछा सर पहली कंपनी कौन सा किया? तो कोई बड़ी पुरानी कंपनी बताने लगा, कोई सर्वे वर्वे की कंपनी थी ऐसा कुछ बताया, श्रीराम सर्वे पियर्सन। मतलब मैंने तो ऐसी कंपनी का नाम सुना नहीं था, मेरा मन कर रहा था कि रिकॉर्डिंग कर ले, मुझे भी पता चले कितनी कंपनी आई आज तक, अपने को तो पता ही नहीं है। नाम बताना शुरू किया तो सर उसके बाद 1995 में सर मैं एमवे ज्वाइन किया। मैंने बोला सर एमवे तो अच्छी कंपनी थी। नहीं नहीं सर, एक वो एमवे बेकार कंपनी है, प्रोडक्ट बड़ी महंगे थे। मैं बोला तो सर फिर क्या हुआ? फिर सर 3 महीने बाद मेरा मन किया यार बहुत बेकार है, फिर मैंने FLP ज्वाइन किया। मैं बोला सर FLP तो अच्छी है, वहाँ तो आप लाखों रुपये कमाएंगे। ना ना, वहाँ पे 5,000 रुपये कमाया था, 12,000 का सामान खरीद लिया था, मजा नहीं आया। मैंने फिर क्या किए? बोले 3 महीने बाद फिर मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया। बोला अच्छा सर तो वो तो अच्छी कंपनी है, उसमें तो आप टिके होंगे। अरे कंपनी ठीक थी, डाउनलाइन बढ़िया नहीं मिला मुझे। फिर क्या किए? फिर वो छोड़ दिया। उसके बाद क्या किया? बोला सर 2001 में मैंने एक कंपनी आई थी easyvg.com, मैंने उसको ज्वाइन किया। बोला सर वहां तो किए होंगे? बोला वो फालतू मैट्रेस वेट्रेस बेचते थे, हमने एक मैट्रेस दिलाया किसी को बेकार लगा तो मैंने वो कंपनी छोड़ दिया। बोला फिर क्या किया सर? उसके बाद मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया। फिर कर करके उस और फोल्डर निकाल रहा है, फेंक रहा है, इतने ढेर लग गए फोल्डर के। मैंने बोला बस प्लान मैं नहीं दिखा सकता। बोला क्यों? मैं बोला पहले कसम खाओ ये आखिरी होगा, नहीं तो फायदा क्या है। ऐसे लोगों को दिखाने का फायदा क्या है बताओ? ये तो फिर 3 महीने बाद भागेगा ही भागेगा। और वो यही बोलता था सर आपको मुझे कुछ नहीं बताना, ये फोल्डर छोड़ जाओ, कल से पैसा लेते जाओ। यही बोलता था वो, सबसे यही बोलता था। अच्छा जिसने मुझे उसके पास लेके गए थे मिस्टर ओम प्रकाश नारायण सर, उनको यही बोला था। वो नए थे बिजनेस में, हम लोग तो भाई पुराने खिलाड़ी, हमें तो पकड़ में आ जाता है कौन फेंक रहा है कौन सही है। उन्हें बोला सर एक बार मैं जुड़ गया ना डायमंडों की लाइन लगा दूंगा, वैसी एक्शन हो डायमंडों की लाइन लगा दूंगा। जब मैंने देखा 30 साल में 150 कंपनी मैंने हाथ जोड़ा, मैं बोला ओपी साहब जितना जल्दी हो सके भागो इसके पास से। ये खुद डायमंड बनाएगा नहीं बनाएगा, लेकिन आपको जिंदगी में कभी डायमंड नहीं बनने देगा, इसकी गारंटी मैं अभी दे रहा हूं। ऐसे उठपटांग लोग आपको भी मिलते हैं क्या? मिलते हैं ना, मिलते हैं ना भाई? मिलेंगे, मिलना भी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान। सही नेटवर्कर पता है कौन है? बाकी बोलने के लिए तुर्रम खा कोई भी बोल दे, सही नेटवर्कर वो है जो ज्वाइन होने के बाद आपसे ये सवाल करे सर मुझे सिखाओ SLPS वेलनेस में पैसा कैसे कमाया जाता है, वो है सही नेटवर्कर। एजुकेशन बहुत बड़ी ताकत है यार, अगर काम करने आ जाए तो DD क्यों नहीं आएगी, इनकम क्यों नहीं आएगी? अगर काम करने आ गया तो आएगी नहीं आएगी?
आएगी नहीं आएगी? कई ऐसे लोग हैं जो पड़े रहते हैं, सर पुराना कोई लीडर मिल जाए, पुराना कोई आ जाए सर हमारा काम कर दे। मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूं सीरियसली, मैंने आज तक कभी किसी लीडर पे फोकस नहीं किया, मेरी आदत रही है। मुझे पता है कि जो मेरे साथ टर्म कंडीशन लेके आएगा, मेरे से बड़ा टर्म कंडीशन उसको मिला तुरंत छोड़ के भाग जाएगा, है या ना? ये दे दो सर, वो दे दो सर, ये कर दो सर, वो कर दो सर। ऐसे लोग लालची होते हैं, जिस दिन इनको मेरे से बड़ा लालच मिला ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने एक फ्रेशर को, जिसको MLM का एम नहीं पता, अगर हमने उसको एजुकेशन दे दिया, उसको ये इंडस्ट्री सिखा दिया, उसका फेथ मेरे पे अदम्य बनेगा, सब छोड़ के भाग सकते हैं लेकिन वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। कोई बाहर से आएगा तभी लीडर बनेगा क्या? जो पहले काम किया है, अच्छा कभी ना कभी वो लीडर जिसको आप बोलते लीडर, कभी ना कभी वो किसी ना किसी MLM में तो पहली बार ज्वाइन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो उसको लीडर किसी ने तो बनाया होगा, हाँ या ना? जब उसको लोग लीडर बना सकते हैं तो हम अपने लोगों को लीडर नहीं बना सकते? बना सकते? नहीं बना सकते। हमारे पास अभी लगभग 42 डायमंड है, 42 वो 42 डायमंड है। और सबसे खुशी की बात है कि 42 में 21 लोग ऐसे हैं जिनको नेटवर्किंग का एम भी नहीं पता था, 21 फ्रेशर डायमंड है। ये गर्व की बात है, ये गर्व की बात है। अपने को तो डायरेक्ट सेलिंग कैरियर में जितने भी लोग मिले वो सब टूटे फूटे थके हारे लोग मिले। हमने मेहनत किया, काम सिखाया, रात रात भर काम सिखाया। ये अवधेश नारायण सर, कृष्णा सर वगैरह जब आए थे, आप पूछना इनसे, रात को अपन भुजा मंगवाते थे, बनवाते थे और अपने रूम पे बुलाते थे, रात भर प्लान की प्रैक्टिस चलता था अपना, रात भर प्लान की प्रैक्टिस, रात भर ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन की प्रैक्टिस। हमें पता था कि अगर हमने इनको मछली मार मार के दिया ये हम पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने इनको मछली मारना सिखा दिया ये जिंदगी भर मछली मार के और शिकार करेंगे, अपने परिवार को खिलाएंगे। एजुकेशन बहुत जरूरी है। डिपेंडेंट मत बनो अपलाइनों के ऊपर, डिपेंडेंट मत बनो। अरे सपने आपके, परिवार आपका, पैसे आपको कमाना है तो अपलाइन पैसा कमवा के देगा या हम खुद कमाएंगे? पीछे वाले खुद कमाओगे तो आपको खुद सारे काम सीखने पड़ेंगे। डिपेंडेंट मत रहो। आप 60,000 रुपए खर्च करके पान का अगर एक गुमटी भी खोल देते हो ना, पड़ोसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो क्या कि पड़ोसी उठेगा मेरा दुकान खोलेगा तो हम पैसा कमाएंगे? कौन खोलता है? स्वयं खोलते हैं, स्वयं जाते हैं दुकान के अंदर। यस या नो? जहां 20-50 हजार रुपए कमाना है वहां दुकान आप खुद चलाते हैं, खुद के ऊपर विश्वास, खुद के ऊपर भरोसा करते हैं। यहां 70 करोड़ की अपॉर्चुनिटी, अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट क्यों? करोड़ों की इनकम, अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट क्यों? जिंदगी बदलने की बात, अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट क्यों? और किसी के ऊपर डिपेंडेंट क्यों? आज डिपेंडेंट है अपलाइन के ऊपर तो आपका सपना अपलाइन के सहारे चल रहा है। भगवान न करे कोरोना आया, अपलाइन ढलंग गया, निकल गया धरती से, फिर गए सपने, गए ना, गए ना, तो फिर कर किस ले रहे थे काम? सफल होना है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, खुद के ऊपर भरोसा करना सीखो। अपने आप को एजुकेट करो। लोग बोलते हैं इस इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं बोलता हूं इस इंडस्ट्री में एक ही इन्वेस्टमेंट है, वो है आपका अपने एजुकेशन के ऊपर किया हुआ इन्वेस्टमेंट। ये आज आप इस ट्रेनिंग में आए होंगे,
आपके अपलाइनों ने हॉल के मैनेजमेंट के लिए आपसे 1500 रुपए चार्ज किया होगा। ये आप अपलाइन को नहीं दे रहे मेरे दोस्त, ये पैसा आप खुद के ऊपर दे रहे हैं, ये आपकी फीस है। इसलिए यहां से निकलने के बाद आपका धंधा बढ़ेगा, क्योंकि आपने एजुकेशन के ऊपर खर्च किया। यहां से निकलने के बाद इस हॉल में बैठे 1000 लोगों से मैं कमिटमेंट लेना चाहता हूं, धंधा करना है खुद के ऊपर डिपेंड होकर बिजनेस करो, अपलाइन के ऊपर डिपेंड होकर नहीं। ये कसम खा के आपको जाना है, ऐसे नहीं, अच्छे से आवाज आनी चाहिए। पक्का खुद के ऊपर भरोसा करोगे, काम सीखोगे। अरे क्या है काम, क्या है यार काम, क्या है? लोगों से मिल के प्रोडक्ट की जानकारी देना, 2-4 फोल्डर है उसको घुमा के प्लान समझाना, कोई बहुत बड़ा काम है क्या? बहुत बड़ा काम है क्या? आप नहीं सीख सकते हो क्या? जितना अपने फोल्डर में कंटेंट है उससे ज्यादा तो गालियां आती होंगी आपको। कोई कुछ बोल दे उसके बाद देखो धारा प्रवाह, उससे बड़े बड़े तो स्टोरी आती होगी। यहां कितनी माताएं बहनी बैठी हुई हैं, कभी अगर झगड़ा हो जाए जेठानी से या सासू से तो उससे पुरानी पुरानी तो बातें उठा उठा के सुना देती हैं, तू ऐसे मैं ऐसे तेरा ये उसका वो उसका ये उसका वो उसका। तो फोल्डर घुमा के 4-5 बातें नहीं कर सकते हो आप? कर सकते नहीं करते? लोगों को तो ये भी पता होता है कि वो कौन से सीरियल में किसकी बीवी और कौन से सास के साथ झगड़ा हो रहा था, एपिसोड तक याद होता है इनको, आगे क्या होने वाला है। कभी गलती से ना देख पाए तो फोन स्टार्ट और पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप सीन के साथ इफेक्ट के साथ सुना देंगे। ये इतनी चीजें जब याद कर सकते हो तो 10 फोल्डर 10 पेज का वो फोल्डर याद नहीं हो सकता है? हो सकता है नहीं हो सकता है? आप चाह जाओ ना तो कुछ भी सीख सकते हो। साइकिल चलाना कितने लोगों को आता है? पैदा होते सीख लिए थे क्या? जब नहीं आता था तो साइकिल चलाना मुश्किल काम था। यस या नो? जब नहीं आता था तो साइकिल चलाना मुश्किल था, जब आपने सीख लिया तो साइकिल चलाना। गाड़ी चलाना जब नहीं आता था तो वो आपके लिए मुश्किल काम था, जब चलाना सीख लिया वो काम आसान हो गया।